हाय, ये देखो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ये नाम कितना फैंसी है बट ये चीज़ बहुत ही सिंपल है। इसको समझने के लिए हम पहले डिवीजन समझेंगे, फिर डिवीजन से इक्वेशन कैसे बनती है और इस इक्वेशन को यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे। देखो इसको समझने के लिए हम शुरू से क्या है, सिंपल जो डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उसको समझते हैं। ठीक है, डिवीजन के प्रोसेस में क्या होता है, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है। ऊपर जैसे देखो 37 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें 3 क्या है, डिवाइजर है, और 37 क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो सबको मालूम है, बट इसका कैसे उससे रिलेशन है उस तक पहुंचेंगे, ताकि हमें जो डिवीजन लीमा है जो एक एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन से दी हुई फॉर्मल स्टेटमेंट है उसको रटना ना पड़े। ठीक है, उसको हम खुद बनाएं, इसलिए मैं इसको एक नॉर्मल सिंपल प्रोसेस से एकदम नीचे के लेवल से चल रहा हूँ। कम से कम टाइम में उसको पूरा डिलीवर करने की कोशिश करूँगा मैं। देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये तो था डिविडेंड और ये था डिवाइज़र, और ये हमें क्या मिला है, ये हमें कोशेंट मिला है, और ये क्या था, रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर जो होता है ना, इस रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइज़र से हमेशा छोटी होती है, डिवाइज़र से हमेशा छोटी होगी, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेके कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, पर हमेशा डिवाइज़र से छोटी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देते हैं, तो हमारा लिखने का तरीका क्या है कि रिमाइंडर की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी। ठीक है, और डिवाइज़र से छोटी होगी। ठीक है, ये लिखने का तरीका है ये मैथमेटिक्स में। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, बहुत सा एकदम सिंपल प्रोसेस था, 37 को 3 से डिवाइड किया, ऊपर कोशेंट हमें 12 मिला, नीचे रिमाइंडर 1 मिला। अब यही जो चीज़ थी ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी, बहुत सालों से लोगों को पता थी। ठीक है, तो पर उसको सबसे पहले रिकॉर्ड किसने किया बुक में, यूक्लिड नाम का मैथमेटिशियन था जिसने अपनी बुक, उसने एक बुक लिखी थी यूक्लिड्स एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर उसने इस चीज़ को सबसे पहले रिकॉर्ड कर दिया, लिख दिया। ठीक है, किस फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। तो अब इसकी इक्वेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी कि आप इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइज़र और कोशेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। यानी आप क्या करोगे कि डिविडेंड हमें कब मिलेगा, जब हम डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। ये जो चीज़ है इसको इक्वेशन की फॉर्म में इसने यूक्लिड ने लिख दिया, तो फिर हमने इसको यूक्लिड्स डिवीजन लीमा कह दिया। पहले से एक प्रूवन स्टेटमेंट होगा जिसको हम यूज़ करेंगे किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ये लीमा होगा। यूक्लिड ने इक्वेशन और स्टेटमेंट की फॉर्म में ये जो डिवीजन का जो हमारा प्रोसेस है इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, वो डिवीजन लेमा हो गया। अब देखो 37 और 3 की डिवीजन लेमा आप कैसे बनाओगे, 37 हमें कैसे मिलेगा, जब हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कोशेंट और डिवाइजर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। देखो 12 इंटू 3 क्या होगा, 36 हो जाएगा, ये 36 होगा और ये प्लस 1 करेंगे 37 मिल जाएगा। अब यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, उसमें इसने 2-3 बातें एक्स्ट्रा और कह दी कि ये सब नंबर इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से लेस होगा, तो आप देख सकते हो देखो 1 हमेशा 3 से लेस है। अब कोशेंट है वो 0 भी हो सकता है, ये जो कोशेंट है ये 0 भी आ सकता है। ठीक है, और 1 है ये 0 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकता था। ठीक है, ये 0 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकता है, पर अब इसके अंदर ना एक डिवीजन लेमा, एक जो इक्वेशन होगी उस एक इक्वेशन के लिए एक ही तरह का कोशेंट आएगा, मतलब एक ही नंबर ऐसा होगा जो कोशेंट होगा, ये यूनिक होगा। यानी ऐसा नहीं है कि जब हम 37 में डिवाइड करेंगे 3 का तो एक कोशेंट तो 12 आ गया। ठीक है, एक कोशेंट तो 12 है इसके अंदर, अब ऐसा नहीं है कि कोई और कोशेंट भी हो सकता है, 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा या 6, नहीं, एक ही नंबर ऐसा होगा जो कोशेंट होगा और एक ही नंबर ऐसा होगा जो रिमाइंडर होगा। तो इसलिए हमने कहा कि ये रिमाइंडर और कोशेंट दोनों यूनिक है। ठीक है, अब इसका फॉर्मल स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एनसीईआरटी इसका फॉर्मल स्टेटमेंट कैसे लिखती है, अब वो हमें समझ आ जाएगा। अब हम इसको, हम अगर खुद उस स्टेटमेंट को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि कोई भी दो इंटीजर ए और बी, अगर हम दो इंटीजर लेंगे, अब जिसको इंटीजर नहीं पता है वही देख लो कि इंटीजर क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, यानी इंटीजर जो डेसिमल हैं
वो इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शन है वो इंटीजर नहीं होता, नेगेटिव नंबर हैं ये सारे इंटीजर होते हैं। जैसे देखो ये 0.25 है ये इंटीजर नहीं है, 3.5 है इंटीजर नहीं है, तो -1 -2 0 1 2 3 जो कंप्लीट नंबर जितने भी हैं ना, जो कंप्लीट हैं जो फ्रैक्शन में नहीं है, ये सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब आप जो 2 है उसको 2.00 लिखोगे तो ये भी इंटीजर होगा, पर आपने इसको डेसिमल में लिख दिया, अब इसका मीनिंग तो यही है ना, 2 ही तो है तो ये इंटीजर है, ठीक है। तो अब देखो इधर इधर चलते हैं वापस, अगर ए और बी दो नंबर इंटीजर हैं तो क्यू एंड आर ऐसे इंटीजर होंगे कि हम अगर क्यू को बी में मल्टीप्लाई कर दें और उसमें आर को जोड़ दें तो हमें ए मिल जाएगा, अभी आर की जो वैल्यू है हमेशा है तो 0 0 होगी, ठीक है, या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, कभी भी ना बी के बराबर नहीं होगी, ठीक है। बी के अब इसमें क्या है, ये बी और ये क्यू और ये आर, हमने क्या लिखा था, ये क्यू मीन्स, क्यू का मीनिंग क्या है, कोशेंट है, तो इसमें क्यू क्या है, ये 12 तो क्यू है, 3 क्या है, ये बी है, और ये 37 क्या है, ये ए है, ये क्या है, ये आर है। तो बस इसी को एक स्टेटमेंट के रूप में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ए और बी दो इंटीजर होंगे तो क्यू और आर एक ऐसे यूनिक इंटीजर होंगे कि हमें बी में अगर क्यू को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें आर जोड़ देंगे तो ए मिल जाएगा, बस यही यूक्लिड्स डिवीजन लेम है। अब इसका यूज़ क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बना सकते हैं। अब इस एल्गोरिदम की हेल्प से हम HCF निकालना सीखेंगे, ये मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि ये क्या चीज़ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और इससे HCF कैसे निकलता है, एल्गोरिदम का मीनिंग क्या होता है, स्टेप्स इसका मीनिंग है और कुछ नहीं है, कि किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिख दिए जाते हैं, बस वही एल्गोरिदम है। और इसे हम इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू गाइज़।